आजकल के महात्मा लोग वास्तविक 100 में कहूं वही 10% अच्छे हो गए और 90% देख लीजिए आप अपनी आंखों से। मैं नहीं कह सकती हूं कि कितने बड़े बड़े महात्मा जिनकी पूजा की जाती थी आज वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो सभी से कहना है कि महात्मा भी बनो तो जरा सोच समझ के बनो, क्योंकि महात्माओं की आज की दुनिया में स्थिति बहुत खराब है। अरे इन महात्मा की बात नहीं है, वो तो भगवान का भजन करते हैं ना। महात्मा कौन होते हैं जानते हो? महात्माओं की क्वालिटियां कुछ अलग अलग होती हैं, जैसे नेताओं की क्वालिटियां अलग होती हैं, ऐसे महात्माओं की क्वालिटी अलग होती है। महात्मा से पूछो कि भैया तुम अपने माता पिता के कौन से नंबर की संतान हो, तो तुरंत महात्मा कहेगा कि मैं अपने माता पिता की बीच वाली संतान हूं। क्यों? बड़े पर प्यार पिता का होता, छोटे पर प्यार माता का होता, और बीच वाले हो जो होते हैं वही बाबा हो जाते, वही महात्मा बन जाते, वही भगवान के भक्त हो जाते। क्यों? जब रोहितास पिता के जब शरीर में कोढ़ हो गया महाराज हरिश्चंद्र के, तो रोहितास ने महाराज विश्वामित्र के जो बहनोई थे जिनका नाम था अजीकृत, उनके थे तीन पुत्र, तो बड़े पुत्र को अजीकृत ने नहीं दिया था और छोटे पुत्र को उतनी उनकी पत्नी नहीं दिया था, और बीच का पुत्र जो था बीच के पुत्र को लेकर के रोहितास आए थे। इसलिए बताया कि बीच के पुत्र जो होते वह भगवान के होते और वही महात्मा जी बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्यारे भक्तों, आज की दुनिया में तो तुम लोगों ने देखा कि महात्मा नहीं, जब घर से हुए तमा तो हो गए महात्मा। आज की दुनिया में तुम लोगों ने देखा होगा कि महात्मा जितने बड़े बड़े महात्मा थे वो सब जेलों में पड़े हुए हैं। तो सभी से कहना है कि महात्मा होने से कुछ नहीं होगा, अगर गृहस्थी आश्रम में आकर के तुमने भगवान का भजन किया तो भगवान कहते हैं कि जो गृहस्थी आश्रम में आकर के हमारा भगवान हमारा नाम लेते हैं उसे हम दर्शन जरूर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्यारे भैया, महात्मा होने से एक फायदा हो जाती है कि भक्ति करने का टाइम निश्चित हो जाता है, और गृहस्थी में जब तक रहते हैं लोग तब तक भगवान की पूजा लेट भी हो जाती है, लेकिन महात्मा जो सच्चे महात्मा होते हैं वो टाइम पर पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गृहस्थी आश्रम में आकर के पूजा करो, चाहे लेट करो वो ही सही है, लेकिन गृहस्थी आश्रम में आकर के जो पूजा करते हैं वो भगवान बहुत जल्दी उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो सभी से कहना है कि महात्मा जी मत बनियो। क्यों? अगर महात्मा बने गए कौने कह रही कि भाई महात्मा इतो पैसा कमाते हैं तो जेलों के पीछे हो गए तुम लोग। सभी से कहना है आज महात्मा जी को देखा महाराज परीक्षित ने सोचने लगे कि ये महात्मा नहीं ढोंगी है, और जब इसने मुझे देख लिया तो इसने आंखें बंद कर ली, कहने लगे अरे मान मेरो
परीक्षित आगे को बड़े कहने लगे, महात्मा तूने हमारा अपमान कर दिया। वही